If you ask this question from a common person, what is more risky? Flying in the plane, yani 30, 40,000 feet above the ground, jahaz mein baithna, that's more risky. Or obesity, motapa, kya wo zyada khatarnak hai? A common reply. Normal person ka reply kya aayega? Ki obviously, jahaz mein baithna, 30-40,000 feet above the ground, that's more risky compared to this motapa. Jabki hakiki jawab kya hai? Fact ye hai, jo ke opposite hai. कि भाई मोटापा ज़्यादा ख़तरनाक है, जहाज़ में बैठना वो तो बहुत सेफ है. लेकिन आम आदमी का जवाब यही होगा. बल्कि आप यूँ देख लेना कि जब हम इफ़ यू कंपेयर द एयर ट्रैवलिंग और द रोड ट्रांसपोर्टेशन, यानी गाड़ी में सफ़र करना और जहाज़ में सफ़र करना क्या रिस्की है, तो जवाब फ़ौरन यही आएगा भाई जहाज़ में. और इसका नज़र भी आपको आता है, इसका सबूत आपको दूँ. जैसे ही जहाज़ में बैठते हैं सारे गुनाह याद आ जाते हैं, सारी दुआएँ बंदा पढ़ता है. जबकि हम ये हकीकत भूल जाते हैं जो कि फैक्ट है कि द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी जो एयर ट्रैवलिंग है, जो जहाज़ में सफ़र करना, इज़ द सेफेस्ट मोड. सही है ना? बल्कि मैं तो आपको फैक्ट्स के साथ बात करूँ ना, इधर टैक्सेस की बात करूँ, एवरेज 10 लोग रोज़ रोड पे मरते हैं. मैं US की बात नहीं कर रहा पूरे, मैं सिर्फ टैक्सेस की बात कर रहा हूँ. टैक्सेस के रोड पे एवरेज 10 से ज़्यादा भी मरते हैं, तो इसका मतलब महीने में 300 लोगों के 3,500-4,000 लोग पूरे साल में मरते हैं. तो जब गाड़ी का सफ़र शुरू होता है ना, तो सारी दुआएँ इस टाइम पढ़नी होती हैं. वैसे वो दोनों दफ़ा ही पढ़नी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा आपको ज़्यादा पढ़नी होती है, ज़्यादा ख्याल रखना होता है जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं. जहाज़ में सफ़र करते हुए प्योर रिलैक्स. लेकिन इससे बात क्या पता चली? इससे पता ये चला कि ह्यूमन इज़ इरेशनल. हाँ जी, हमारी जो एनालिसिस है, जो हम इवेल्युएट करते हैं, वन वी टॉक अबाउट रिस्क, जब हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, वी आर इरेशनल. हाँ, हम इरेशनल हैं, हम सेंसिबल नहीं होते. बिल्कुल इसी तरह हंसी और गम के मौके पर भी, खुशी और गम के मौके पर भी, हैप्पी और सैड इवेंट्स में भी अगर आप देखेंगे, तो हम थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. मिसाल के तौर पे खुशी का मौका होता है, हाँ जी बहुत अच्छा मौका है, बहुत खुशी का मौका है बहुत, लेकिन जो आपने रिएक्ट किया होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया होता है. गम में भी यही होता है. अब क्रिकेट की मिसाल ले लें, ये मैच जो वीडियो है वो क्रिकेट पर ही है असल में, तो वो क्रिकेट में भी आप देखें, वो एक मैच जीतते हैं, खुशी की बात है जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात. लेकिन जो रिएक्ट करते हो भाई, इतना भी खुश नहीं होना था जितना हो गया. इसी तरह कोई मैच हारते, गम हुआ, दुख हुआ, हाँ हुआ, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आता है उतना गम, भाई इतना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो गया था. मुझे आज भी याद है, एक दफ़ा हमने एक इसी तरह वो स्क्रीन वगैरह लगाई थी और वो बड़ा मैच था पाकिस्तान और पता नहीं किसके साथ था, रिमेंबर लाइक 9-10 years back, तो पाकिस्तान जीत गया, थोड़े स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक कर दिए और डांस हो रहा, खुशी की बात थी, हाँ बहुत. लेकिन जो तुम रिएक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए हो भाई, इतना नहीं होना था इस पर. अच्छा, यही चीज़ अगर आप एग्जामिनेशन में फील कर, द स्टूडेंट लाइक व्हेन दे फ्लंक और व्हेन दे गेट गुड मार्क्स, दोनों चीज़ें ना, हैप्पी साइड दोनों चलता है, क्वालिफाइड हो गए, MBA कर लिया, सीट खुशी की बात है बहुत. लेकिन जो यार अभी इतना भी खुश नहीं होना था भाई, थोड़ा सा हल्का हो जाए. इसी तरह कोई पेपर रह जाता है, पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई. ऐसा नहीं था भाई, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो. तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ बड़ी अनकंट्रोलेबल है, लेकिन जब भी कोई ऐसा खुशी या गम का मौका है, अभी आजकल फिर अगेन क्रिकेट, अभी फिर वो बांग्लादेश के साथ मैच और सब, तो कोई भी ऐसा मौका है तो थोड़ा सा रैशनल होकर भी सोच लिया करें. लेकिन मैंने फिर अभी कह दिया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, कि हम जो रिएक्ट करते हैं वो एकदम, और वो अमूमन दोनों केसेस में, खुशी का मौका भी और गम के मौके में भी, हम जो है ना उस हकीकत से बहुत आगे जाके रिएक्ट कर रहे होते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू.